कृपया ध्यान दीजिए। हेलो एवरीवन, ये एमएस फिनोलॉजी एनसाइक्लोपीडिया और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। तो देखो ये चुटकू पुटकू सा चैप्टर है, इसमें कुछ खास है नहीं। वैसे दो तीन स्टेट्स के बारे में, दो तीन राज्य के बारे में, दो तीन कंट्रीज के बारे में बस पढ़ना है, तो वही बस मैं आपको बता दूंगा। और जो लोग हम लोग से न्यू है, मतलब जो मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग के चैनल पे एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैं रोज तुम लोग के लिए एक पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की वीडियो ला रहा हूँ। तो दो मंथ में अगर तुम लोग का कोरोना वायरस की वजह से या फिर किसी भी चीज की वजह से अगर एग्जाम बंद है, मतलब स्कूल अगर बंद है, तो दो तीन घंटे में मैं बस तुम्हारा दिन का दो तीन घंटा लूंगा और टू मंथ्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। और अगर जो बाद में देख रहा है, टू मंथ्स खत्म होने के बाद में देख रहा है, तो तुम लोग एक साथ करके एक हफ्ते के अंदर पूरा SST अपना चाट सकते हो, सारे वीडियोज अवेलेबल हो गए होंगे तब तक। सो इसी के साथ चलो हम लोग शुरू करते हैं पावर शेयरिंग। मतलब पावर को कई हाथों में बांटने को हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। डेफिनेशंस मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश की डेफिनेशंस तुम लोगों के स्क्रीन पे टाइम टू टाइम शो होती रहती है हर वीडियोस में। तो अगर कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो आराम से लिख लिया करो इंग्लिश में या फिर खुद ही ट्रांसलेट कर लिया करो, और इससे तुम लोग का इजी रहेगा कि नोट्स भी मिल जाएगा। और कई चैप्टर के नोट्स तुम लोग को हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, एक वेबसाइट है हम लोग का, उसके लिंक पे जाओगे तो सारे नोट्स तुम लोग को मिल जाएंगे। तो चलो अब हम लोग पावर शेयरिंग पे फिर से आते हैं। तो देखो पावर शेयरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले ये क्वेश्चन आता रहता है। पावर शेयरिंग तुम लोग समझ गए कि पावर को सभी के हाथों में बांटना, कई लोगों में बांटना, जिससे किसी एक के पास पावर ना जाए। अब देखो अगर पावर शेयरिंग नहीं हो तो क्या होगा, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो कोई एक सुप्रीम लीडर होगा और वो सुप्रीम लीडर अपने मन मर्जी से जो चाहे वो कर पाएगा, उसी के पास पूरी पावर रहेगी। तो वो जो चाहे वो कर ले, वो चाहे कोई न्यू लॉ पास कर ले, वो चाहे तो डिक्टेटरशिप ले आए, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है वो। हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने वहां की डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग उतना अच्छे से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उसने डिक्टेटरशिप हासिल कर ली थी। के बाद अब हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग आखिर कैसे होती है। हम लोगों ने तो कह दिया कि पावर सभी के हाथों में बटनी चाहिए, लेकिन वो हाथ कौन से होंगे, वो लोग कौन से होंगे, इसी सबको हम लोग आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं दो कंट्रीज के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका। अब देखो बेल्जियम एक देश है, श्रीलंका क्या है, एक देश है। उन पे कोई ना कोई आपदा आई थी, इमरजेंसी कुछ हुआ था इन लोगों के साथ, कोई चटपटा सा कुछ हुआ था इनके साथ, उसी को हम लोग देखते हैं। तो देखो बेल्जियम में क्या था, वहां पर कई एथनिक कंपोजिशंस थे। एथनिक मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, ये सब क्या है, ये एथनिक कंपोजिशन है, ये कम्युनिटीज हैं। ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को एथनिक कहते हैं, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। SST के एग्जाम से तुमको कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि एथनिक की डेफिनेशन मिलाओ, फ्लेमिश की डेफिनेशन बताओ, ये सब नहीं पूछेगा। जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताता जाऊंगा, कोट करता जाऊंगा और अच्छे से समझाता भी जाऊंगा। तो देखो बेल्जियम में क्या हुआ था, वहां पर दो तरीके के लोग थे। एक जो डच बोलते थे, 59% लोग वहां पर डच बोलते थे, ये याद कर लो, 59% लोग वहां पर बेल्जियम में डच बोलते थे। इसके बाद 40% लोग वहां पर फ्रेंच बोलते थे, 59% डच और इसके बाद 40% फ्रेंच। ठीक है, जो डच बोलते थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और जो फ्रेंच बोलते थे वो वालोनिया रीजन में रहते थे। अब इसमें एक और चीज हुआ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां पर एकदम उल्टा था। वहां पर ब्रुसेल्स में 80% लोग मेजॉरिटी में थे फ्रेंच, 80% लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग थे जो डच बोलते थे। इतना समझ में आ गया, इससे तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, दोनों में लड़ाइयां होंगी, दोनों लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके बीच में भी थोड़ा टकराव हुआ। इसको उन्होंने कैसे सुलझाया कि उन्होंने वहां पर जो पार्लियामेंट था उसको 50-50% दोनों के कैंडिडेट से बना दिया। मतलब कि वहां पर क्या हुआ कि जो ये यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरे देश पे राज करती है, उसमें 50% डच रहेंगे, 50% फ्रेंच रहेंगे। अब यहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया और 50-50% पे मान गए, लेकिन ब्रुसेल्स था जो उनकी राजधानी थी, वहां पर भी यही सेम हुआ, 50-50% पे बांटा गया और वहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट से थोड़ा अलग रखा
गया, इंडिपेंडेंट रखा गया और इंटरकनेक्टेड रखा गया। मतलब कि उनके जो ये मेजोरिटी वाला ये जो फंडा था, ये जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि अब कोई भी लॉ बनाने में, कोई भी चीज बनाने में दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का समान अधिकार था, इक्वल राइट था। इसके साथ में वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी थी, मतलब कि दोनों कम्युनिटीज थी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। दोनों कम्युनिटीज अपने अपने वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट करती थी, जो कि ये देखती थी कि उन दोनों के साथ सही तो हो रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग थी। सो इससे क्या हुआ, वहां पर दोनों लोग एक साथ हो गए, एक हो गए, कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहा। इसके बाद अब हम लोगों को देखना है श्रीलंका में। श्रीलंका में एकदम उल्टा हुआ, वहां पर भी ऐसे लोग थे। सिंघाला लोग वहां पर 74% थे और तमिल स्पीकर वहां पर 18% थे। तो अगर ये लोग भी चाहते तो ये लोग भी कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन श्रीलंका वालों ने ऐसा नहीं किया और बल्कि वहां पर एक लॉ पास किया गया 1956 में, जिसमें सिंघाला को एक ओनली लैंग्वेज बताया गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया। तमिल वाले भी थे तो 18%, लेकिन उनको कोई हक नहीं दिया गया। धीरे धीरे करके ये जो ये सिंघाला लोग थे ना, वो बुद्ध धर्म फॉलो करते थे, वो बुद्धिस्ट थे, और ये जो तमिलियन थे वहां पर वो मोस्टली मुस्लिम्स थे और कुछ इंडियन मुस्लिम्स थे। तो तमिल लगभग मुस्लिम्स थे, और इसके बाद ये जो 74% सिंघाला बोलने वाले लोग थे वो थे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग। तो जैसे ही यहाँ पर ये एक्ट बना, इस सिंघाला लोगों ने क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया, और इसी वजह से तमिल वाले सोचे कि अब तो हम लोगों को दबाया जा रहा है, अब हम लोग की कोई राइट्स नहीं है। इसी वजह से वहां पर राइट्स होने लग गए, वहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई, और एक ऐसी चीज हुई जो कैप्टन अमेरिका के साथ भी हुई थी, सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब आपस में लड़ाई हो गई, और एंड में इसके बाद जो तमिलियन रहते हैं वो एबॉलिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और सिंघाला लोग ही बस बचते हैं। कुछ तमिल्स वहां पर फिर भी रहते हैं, और बाकी सारे अधिकतर लोगों को मार दिया जाता है, या फिर वो लोग अपना कन्वर्जन करवा लेते हैं, अपनी लैंग्वेज बदल देते हैं, अपना जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो बदल लेते हैं। अब देखो इसको क्या कहा जाता है, मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब कि वहां पर अगर किसी भी जगह पे कोई जो मेजोरिटी में हो वो अपने छोटे लोगों को, मतलब माइनॉरिटीज की कम्युनिटी को रिप्रेस करता है, दबाकर उसको खत्म करने की कोशिश करता है, और वहां की जो गवर्नमेंट रहती है वो मेजोरिटी के बेसिस पे रहती है, मतलब जो मेजोरिटी के लोग चुनेंगे वो गवर्नमेंट रहती है, तो उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। मुझे लगता है इससे तुम लोग समझ गए होगे कि क्या क्या हुआ था बेल्जियम में और क्या क्या हुआ था श्रीलंका में। इससे तुम लोग ये भी समझ गए होगे कि कौन सा बेस्ट था, किसमें ज्यादा मारपीट नहीं हुई। तो बेल्जियम वाले में मारपीट नहीं हुई क्योंकि वहां पर दोनों लैंग्वेज को समान अधिकार दे दिया गया था। अब देखो अगर मैं फ्रेंकली बोलूं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब कि पावर शेयरिंग क्यों सही है, क्यों जरूरत है और क्यों हम लोग उसे अपनाते हैं, क्योंकि उससे डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की आने का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। अगर कई लोगों के पास पावर रहेगी तो वो लोग ज्यादा सोच के फिर डिसीजन ले सकते हैं। अगर एक इंसान के पास रहती तो वो कोई भी फैसला ले लेता, चाहे वो सही हो या गलत। सो इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, इसी वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है और डिजायरेबल है। अब इसके बाद खालिल्स डिलेमा है। ये अभी पहला चैप्टर था, असली कहानी अब शुरू होगी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।